तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ कि आप बढ़िया और अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ उस घंटे को भी जरूर दबाएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें गाइस, क्योंकि हम उधर भी ड्राइंग रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। और जल्दी से 50 के करना है गाइस, तो फटाफट सब्सक्राइब करें। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इधर देख सकते हो एक MSTC लाल परी बस मोड है और एक बीटा वर्जन है इस, और ये बीटा वर्जन का वर्जन 2 है। और इस मोड को APA गेमिंग स्टेशन चैनल ने बनाया है और इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम इसके इंजन साउंड को देखेंगे। तो आपको कुछ इस तरह का एक्सटीरियर लुक देखने को मिलेगा और रात के समय में आपको कुछ इस तरह का लाइटिंग रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो सामने की ओर आपको एक बड़ा सा हेडलाइट यूनिट देखने को मिलता है और डोर ओपनिंग एडमिशन से डोर ओपन होता है। इस बस मोड में आपको सिर्फ एक ही डोर देखने को मिलता है बाहर की तरफ, जिसका आप डिटेलिंग देख सकते हो गाइस। तो डिटेलिंग बढ़िया है गाइस। और आपको सामने की ओर दो वाइपर देखने को मिलता है, इसका कलर थोड़ा ग्रेइश है गाइस। और आपको इस मोड में 3 तरह के एमशन की देखने को मिलता है। तो पहले वाले एमशन से ड्राइवर साइड का डोर ओपन होता है, इसका आप इधर डिटेलिंग देख सकते हो गाइस। और दूसरे वाले एमशन से विंडोज़ ओपन होती है, चारों तरफ की विंडोज़ ओपन होती है, आप इधर देख सकते हो लाइट में। तो आपको इस तरह का विंडो ओपनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है इस बस मोड में। और तीसरे वाले एमशन से अंदर का डोर ओपन होता है, इसका इफेक्ट कुछ इस तरह का है। और आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, आपको इल्यूमिनेशन, इंडिकेशन। तो आपको इंडिकेशन तो देखने को नहीं मिलता गाइस, लेकिन आपको इल्यूमिनेशन और स्पीडोमीटर में डायल देखने को मिलता है, जो कि बढ़िया बात है। और इसका डैशबोर्ड अच्छा है गाइस और ड्राइविंग एंगल भी बढ़िया है। और इसका स्पीड और ब्रेकिंग तो ज़बरदस्त है गाइस, लेकिन इसका स्टीयरिंग फीडबैक उतना खास नहीं है। एवरेज सा स्टीयरिंग फीडबैक आपको देखने को मिलेगा, जो कि हाई स्पीड पर उतना स्टेबल नहीं है गाइस, लेकिन लो स्पीड में बहुत ही स्टेबल है। तो आप इधर देख सकते हो इसका टर्निंग रेडियस भी उतना खास नहीं है, लेकिन बाकी सब अच्छा है गाइस। तो इसका चलाने का एक्सपीरियंस ठीक ठाक सा है, कम स्पीड में आपको मज़ा आएगा गाइस, लेकिन हाई स्पीड में थोड़ा स्टेबिलिटी इशू देखने को मिलेगा। तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये मोड कैसा लगा। तो मुझे तो बढ़िया लगा। और अगर आपके पास कोई भी मॉडल इश्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही था, मैं आपसे अगले में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।